देश में एक खिलाड़ी की हत्या ने सबको हिला कर रख दिया था। साल था 1988 का, नाम था सैयद मोदी। मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी की 34 साल पहले हत्या की गई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने साल 1988 में मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी की हत्या के मामले में उम्र कैद की सज़ा काट रहे भगवती सिंह उर्फ पप्पू की सज़ा को बरकरार रखा है। सैयद मोदी की क्या उपलब्धियाँ थीं, क्यों उनकी हत्या की गई, क्या था पूरा मामला, ये जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी रहे सैयद मोदी की हत्या का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। हर साल लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन भी उनके नाम से किया जाता है। मामला 34 साल पुराना है। चर्चा इसलिए भी हो रही है कि हत्या के आरोप में जेल में बंद भगवती सिंह उर्फ पप्पू की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने सेशन कोर्ट की ओर से सुनाई गई उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा है। यह फैसला जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सरोज यादव की अवकाशकालीन बेंच ने सुनाया। हुआ क्या था? 28 जुलाई 1988 की शाम को केडी सिंह बाबू स्टेडियम से प्रैक्टिस कर लौटते वक्त सैयद मोदी की हत्या कर दी गई थी। उन्हें 8 गोलियां मारी गई थी। एक खिलाड़ी की हत्या के इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, अमिताभ कुलकर्णी मोदी, अखिलेश सिंह, बलई सिंह, अमर बहादुर सिंह, जितेंद्र सिंह उर्फ टिंकू, भगवती सिंह उर्फ पप्पू के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें यह कहा गया था कि सैयद मोदी की पत्नी अमिता मोदी से संजय सिंह के विवाहेतर संबंध रहे, जिस वजह से सैयद मोदी रोड़ा बन रहे थे। उन्हें रास्ते से हटाने के लिए ये साजिश रची गई और 28 जुलाई 1988 को इस वारदात को अंजाम दिया गया। सेशन कोर्ट ने संजय सिंह और अमिता मोदी को आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ही आरोपों से बरी भी कर दिया था। सत्र अदालत के इस निर्णय को पहले हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी बरकरार रखा। वहीं अखिलेश के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। गोरखपुर के रहने वाले सैयद मोदी देश के टॉप बैडमिंटन खिलाड़ी थे। सैयद 8 बार राष्ट्रीय चैंपियन बने थे। कॉमनवेल्थ गेम्स में बैडमिंटन सिंगल्स का गोल्ड भी उन्होंने जीता था। सैयद मोदी की हत्या जब हुई तो उस वक्त उनकी उम्र महज 28 वर्ष थी। उनका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था, देश को भी उम्मीदें थीं। सबसे अहम बात यह भी कि सैयद मोदी ने देश के टॉप बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को हराया भी था। इसके बाद देश के बैडमिंटन खिलाड़ियों में टॉप रैंकिंग भी उन्हें मिली। जब उनके मर्डर की सूचना आई तो हंगामा मच गया। बताते हैं कि उनकी दुश्मनी किसी से भी नहीं थी, फिर हत्या किस वजह से हुई। बात 1978 की है। सैयद मोदी जूनियर नेशनल चैंपियन थे। उनका चयन बीजिंग में एक इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए हुआ। उस टीम में एक महिला खिलाड़ी भी थी, उनका नाम था अमिता कुलकर्णी। दोनों के बीच प्रेम बढ़ने लगा। गोरखपुर से साधारण परिवार से आने वाले सैयद मोदी को महाराष्ट्र के एक अच्छे परिवार की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की के प्रति झुकाव हो गया। इसके बाद 1984 में दोनों लोगों ने शादी भी कर ली। बताते हैं कि शादी के बाद अमिता की मुलाकात अमेठी के राजा संजय सिंह से हुई, जो कि राजनीतिक रसूख रखने वाले राजा थे, गांधी परिवार के भी करीबी रहे। वहीं अमिता ने करियर को लेकर माँ बनने से इनकार कर दिया। इसके बाद ही सैयद मोदी और अमिता के बीच अनबन होने की खबरें आईं। अमिता मोदी डायरी भी लिखती थीं। बताते हैं कि सैयद मोदी को भी अमिता मोदी और संजय सिंह के बीच रोमांस का शक होने लगा था। अमिता को भी ये पता चल गया कि सैयद मोदी उनकी डायरी पढ़ रहे हैं। 1987 में अमिता मोदी ने सैयद को माँ बनने की खबर दी। सैयद को शक था कि वो उनका बच्चा नहीं है और इसे लेकर दोनों के बीच तनाव हो गया। मई 1988 में अमिता मोदी को बेटी हुई। इसके 2 महीने के अंदर ही सैयद मोदी की हत्या भी कर दी गई। सीबीआई ने जब जांच शुरू की थी तो इसमें संजय सिंह का नाम आया। इस पूरे मामले में नवंबर 1988 में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की। इनमें 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। संजय सिंह, अमिता मोदी, जितेंद्र सिंह, भगवती सिंह, अखिलेश सिंह, अमर बहादुर सिंह और बलई सिंह का नाम शामिल किया गया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि संजय सिंह, अमिता मोदी और अखिलेश सिंह ने ही सैयद मोदी के मर्डर की साजिश रची थी, जबकि 4 अन्य लोगों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।
सीबीआई की जांच में ये बताया गया कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास मारुति कार में जब भगवती सिंह ने सैयद मोदी पर रिवॉल्वर से फायरिंग की तो दूसरे आरोपी जितेंद्र सिंह ने उनका साथ दिया था। जांच के दौरान सीबीआई ने अमिता मोदी की डायरी भी जब्त की थी। इसमें संजय सिंह से उनके नज़दीकी रिश्तों की बात कही गई थी। सीबीआई की दलील थी कि संजय सिंह ने ही सैयद मोदी की हत्या के लिए साथी अखिलेश सिंह की मदद ली थी, वो हत्यारे भाड़े पर भेजे गए थे। वहीं इस मर्डर केस में संजय सिंह के पक्ष में मशहूर वकील राम जेठमलानी उतरे थे। जेठमलानी की दलीलों के बाद रिश्तों की इस उलझी गुत्थी को कानून के कटघरे में खड़ा किया गया। सीबीआई के दावों की धज्जियां भी उड़ने लगी। संजय सिंह और अमिता मोदी की तरफ से सीबीआई की चार्जशीट को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पुख्ता सबूत के अभाव में सितंबर 1990 में सेशन कोर्ट ने संजय सिंह और अमिता मोदी का नाम इस केस से अलग कर दिया था। सीबीआई के लिए यह पहला झटका था। सीबीआई को दूसरा झटका 1996 में मिला इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने एक अन्य आरोपी अखिलेश सिंह को भी बरी कर दिया था। एक अन्य आरोपी जितेंद्र सिंह को भी संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया। सीबीआई की ओर से 7 में से 4 आरोपी पहले ही रिहा हो चुके थे। इसके बाद कानून के दायरे में आए अमर बहादुर सिंह का मर्डर हो गया और एक आरोपी बलई सिंह की मौत हो गई। इसके बाद केवल एक आरोपी भगवती सिंह बचे। लखनऊ की सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि 2009 में सीबीआई ने कोर्ट में उनके खिलाफ फांसी की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो ये थी सैयद मोदी की हत्याकांड से जुड़ी जानकारी। इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।